हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। अगर आपके पास R15 वर्जन 3 है या वर्जन 4 या कोई सी भी R15 है, अगर आप चाहते हैं कि आगे जाकर आपका ये खर्चा ना हो, तो इस वीडियो में पूरी बने रहें, लास्ट तक देखें। मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या तो अपने साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी ना हो, इसलिए मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। तो दरअसल हुआ क्या कि आज हम गए थे अपना ब्रेक पैड चेंज कराने, अपनी बाइक का ब्रेक पैड ख़त्म हो गया था पूरा अच्छी तरह से, तो गए चेंज कराने। तो जब रियर ब्रेक का जो कैलिपर होता है उसमें 2 वोल्ट आते हैं एलएनजी के, तो जब वो खुलने गए तो वो खुल ही नहीं रहे थे। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो जो है मिस हो गए, मतलब फ्री हो गए, वो खुल ही नहीं रहे। बड़ी दिक्कत हुई। तो अब ये हुआ कि अब कैसे खुलेगा। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सर्च किया, कोई ऐसी वीडियो ही नहीं मिली। बस एक वीडियो मिली जिसमें बंदे ने वेल्ड करके खुलवाया था, बाकी फुल डिटेल वीडियो कोई नहीं थी। तो फिर मैंने शोरूम पे फ़ोन किया तो वहाँ पूछा कि ऐसी सी बात है, अब वो बोल्ट कैसे खुलेगा। उन्होंने बोला कि सर वेल्ड करा कर ही खुलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, खुल तो जाएगा। फिर मैंने पूछा कि अच्छा जो एलेंकी का जो बोल्ट है वेल्ड कराने के बाद वो तो वेस्ट हो जाएगा, तो अपने को नया डालना पड़ेगा। पूछा मैंने तो बोले हाँ मिल जाएगा। मैंने पूछा कितने का, 250 का एक बोल्ट, मतलब एक इतना छोटा सा बोल्ट है 250 का एक छोटा सा, तो 2 लेना है अपने को, तो 250 एक। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो पूरा जो उसको खोलो निकालो लेकर जाओ फिर वेल्ड कराओ खुलवाओ ले आकर लगाओ, बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ जो दिक्कत हुई अपनी बाइक में। तो ये है अपनी वेनम जिसको मैं अभी धुला करा रहा हूँ। तो जो मैं दिक्कत बता रहा था वो ये रही, जैसा कि आप देख रहे हैं ये और ये दोनों वोल्ट जो है मिस हो गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हल्का सा क्रैक, बोल्ट जो है फट गया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे खुद नहीं पता। मैंने काफ़ी ट्राई कराया पर ये खुला नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। हम ब्रेक पैड जो है अपना पूरा घिस चुका है, तो अब अपने को जो है इसके ऊपर एक दूसरा बोल्ट छोटे साइज का वेल्ड कराना होगा, उसके बाद ही ये निकलेगा बाहर, और ये निकलेगा फिर नया वाला लगेगा। ये कुछ थी अपनी प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिखाई। तो अगर यदि आपके पास R15 है तो आप जैसे ये वीडियो देखें, आप पहले जाएं उसका जो बोल्ट होता है रियर कैलिपर का, उसको आप ढीला करा लें, मतलब कभी भी उसको फुल टाइट ना करें, क्योंकि वो पूरा ओपन रहता है और बारिश का मिट्टी का पानी होनी सब जाकर वो जाम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खर्चा ना हो और आप इतने परेशान ना हो मेरी तरह, तो अभी जाएं और उस बोल्ट को जो है हल्का हल्का ढीला करा लें, मतलब इतना टाइट रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो जैसा कि मैंने बोला था पहले कि अपना जो एक पार्ट जो ख़राब हुआ था, जो अपने को नया लेना था एलेंकी बोल्ट ब्रेक कैलिपर का, वो हमने ले लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो बोल्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बोल्ट 257 का है, तो हम लोगों ने 2 लिया है क्योंकि 2 लगता है। ये रहा सिर्फ ये इतना सा बोल्ट, एक 250 रुपये का है। तो कल हम लोग गए थे लखनऊ तो वहीं से इसको लिया मैंने। अभी चलते हैं इसको लगवाते हैं, फिर आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। ब्रेक कैलिपर में जो बोल्ट जाम था वो हमने खोलने के लिए दे दिया था, तो उन्होंने बोला कि अब 2 घंटे बाद आइए। तो 2 घंटे पूरे हो गए, अभी हम चलते हैं देखते हैं कि वो बोल्ट बाहर निकला है या नहीं निकला है, फिर आपसे मिलते हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अपना जो ये बोल्ट जो जाम हुआ था वो बाहर आ गया। बस एक बुरी खबर ये है कि इस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ ये इधर थोड़े बहुत इधर। तो ये मसला नहीं है, मसला ये है कि अपना ये जो दोनों बोल्ट जो अंदर जाम हुआ था ये निकल गया। तो उन्होंने इसको निकाला कुछ इस प्रकार, ये एलेंकी का था, इसको इन्होंने काटा है मशीन से, फिर इसको इस शेप में करने के बाद इसको ओपन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये निकल गया, वो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी ये थोड़ा बहुत स्क्रैच ये तो चलेगा, इसको अपन पेंट कर देंगे सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसको लगवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद जो है अपनी बाइक का जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो बोल्ट था ये भी बाहर आ गया, उसके बाद नया बोल्ट लग गया, डिस्क पैड भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आपको कैसे और क्या करना है, चलिए आए तो बताते हैं। ये रहा नया वाला एक एलेंकी और ये
ये दूसरा है नहीं कि एक ये एक ये, तो यही दोनों था। तो निकालने के लिए उन्होंने कैसे निकाला, जैसे ये देखिए पुराना वाला है, तो इसमें ऐसा था एलेंकी, बट ये कुछ ऐसा दिख रहा था। उन्होंने पहले क्या किया, ये जो होल दिख रहा है इसमें उन्होंने आयरन वेल्ड किया, मतलब लोहे को वेल्ड करके भर दिया बाहर तक, फिर उस पर ऐसे कट लगाया मशीन से। ऐसे कट लगाने के बाद फिर उन्होंने उसको ऐसे खोला और फिर खोल कर निकाला। उसके बाद अपन ने डिस्पैट चेंज करा लिया, बट ये जो स्क्रैचेस हैं इसका अभी अपन इस पर स्प्रे पेंट कर देंगे, ये भी बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो यही कुछ प्रोसेस था। मैंने देख ही लिया कैसे क्या हुआ, जैसा था मैंने सब बता दिया, समझा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो बात करें अपना कितना टाइम गया और पैसा गया, तो अपने को ये पूरे 2 दिन मेरे बर्बाद हुए। पहला दिन तो जब मैं गया खोलने में तो खुलवा देता पहले ही दिन, बट पहले दिन मेरे पास अगर ये खुलवा देता तो मेरे पास दूसरा बोल्ट था नहीं, और मुझे पता नहीं था पहले दिन कि ये मतलब इस तरह से यूज करने लायक बचेगा या नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा था इसके ऊपर एक बोल्ट को वेल्ड करके खोल देते तो ये बेकार हो जाता, बट इन्होंने अच्छे से खोला है सफाई से, क्योंकि ये फिर भी यूज हो सकता है। तो 2 दिन का टाइम ऐसे बेकार हुआ मेरा। उसके बाद पैसे की बात करें तो ये एक बोल्ट 250 का था, ये हो गए 500 पूरे, और उसको इसको निकलवाने का जो चार्ज था 160 रुपीज़, और जिन्होंने ये सब ब्रेक पैड इंस्टॉल किया, ये सब खोला बंद किया सब, उनके 100 रुपये, मतलब सब मिला के 560 रुपये, मतलब 760 रुपये खर्च हुए मेरे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये फालतू खर्च ना हो, तो अपने इस बोल्ट को कभी टाइट ना करें, उसको चेक कर लें कि वो ढीला हो और अच्छे से हो। जब भी टाइट करें इस पर ग्रीस लगा कर, फिर उसके बाद, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट आता है, ये हो जाता है किसी भी बाइक में। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।